नमस्ते फ्रेंड्स, महाराष्ट्र प्रोफेशन टैक्स से रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीटीआर से रिटर्न फाइल करने में आने वाले एक एरर के बारे में, एक समस्या के बारे में। ये जो एरर है ये उन्हीं टैक्स पेयर्स को आता है जो पीटीआर से का रिटर्न पहली बार फाइल करने वाले होते हैं। ऐसे में वो उनका पीटीआर से का रिटर्न समय पर फाइल नहीं कर पाते हैं। तो होता यह है कि पहली बार पीटीआर से का रिटर्न फाइल करने के लिए जब टैक्स पेयर्स महाजीएसटी के पोर्टल पर लॉग इन करते हैं तो उसके बाद यह एक ऑप्शन होता है या हमें एक्ट सिलेक्ट करना होता है जिस एक्ट के अंतर्गत हमें रिटर्न फाइल करना होता है। तो जैसे ही वो यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उन्हें यहाँ कोई भी एक्ट नहीं दिखाई देता है, उन्हें मैसेज आता है एक्ट नॉट फाउंड का। तो ऐसे में उनके सामने समस्या निर्माण हो जाती है कि वो अपना पीटीआरसी का रिटर्न कैसे फाइल करें। तो कई सारे टैक्स पेयर्स के मुझे कमेंट्स में मैसेज आते हैं कि ऐसा एरर आ रहा है, ऐसे में क्या करें। तो ऐसे में मेरा उनको सवाल यही होता है कि जिस यूज़र आईडी से वो लॉगिन कर रहे हैं वो यूज़र आईडी क्या है। तो उनका जवाब होता है कि वो जो है पैन नंबर से लॉगिन कर रहे हैं, उनका यूज़र आईडी पैन नंबर है। तो ऐसे में आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि पीटीआर से रिटर्न फाइल करने के लिए जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो लॉगिन आईडी होगा वो आपका पीटीआरसी नंबर होगा। आपको पीटीआरसी नंबर से ही लॉगिन करना होगा, उसके बाद ही आप पीटीआरसी का रिटर्न फाइल करने वाले हैं। वो जो पैन नंबर वाला यूजर आईडी होता है वो सिर्फ हम पीटीआरसी का रजिस्ट्रेशन अप्लीकेशन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे ही पीटीआरसी का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट होता है, पीटीआरसी नंबर जनरेट होता है, उसके बाद टैक्सपेयर के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ईमेल आता है जिसके अंदर उसका यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, और उसके अंदर जो यूजर आईडी होता है वो होता है पीटीआरसी नंबर जो कि टिन नंबर होता है। ऐसे में कई सारे टैक्सपेयर्स की समस्या ये होती है कि या तो उन्हें वो ईमेल डिपार्टमेंट की तरफ से आया ही नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करें। तो ऐसे में उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे टैक्सपेयर्स को क्या करना होगा जिससे कि उन्हें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाए। तो इसके लिए उन्हें पासवर्ड रिसेट के लिए अप्लीकेशन करनी होती है। इस पासवर्ड रिसेट की जो प्रक्रिया है ये डिपार्टमेंट ने खुद बताई है। यह डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर एक प्रोसेस बताई गई है जिसके अंदर टैक्सपेयर के प्रोफाइल रिलेटेड जितने भी परेशानी है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, उनका समाधान यह किया जाएगा। जैसे कि प्रोफाइल में अगर पैन करेक्शन करना है, पासवर्ड रिसेट करना है, या प्रोफाइल क्रिएशन से लेकर कोई समस्या है तो उसका समाधान के लिए यह प्रोसेस बताई गई है। इसके अंदर यह एक लिंक है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो वो प्रोसेस ओपन हो जाएगी। इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, उस पर क्लिक करके भी आप इसे देख सकते हैं। यह लोकेशन के हिसाब से कुछ ऑफिसर्स के नाम, उनके ईमेल आईडी और उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, और यह कुछ परेशानियां दिए गए हैं। इनमें से जो भी परेशानी होगी उसके लिए आपके लोकेशन के हिसाब से जो ऑफिसर है उस ऑफिसर को ईमेल करना होगा और उसे आपको रिक्वेस्ट करनी होगी, उसके बाद वो आपकी समस्या का समाधान कर देगा। जहाँ तक बात है पीटीआरसी रिटर्न फाइलिंग के संबंधित यूजर आईडी की जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है पासवर्ड रिसेट ऑफ डीलर प्रोफाइल, तो यहाँ इस लिस्ट के अंदर आपके लोकेशन के हिसाब से जो भी आपका ऑफिसर है उसे आपको ईमेल करना होगा। उस ईमेल में आपको ये सब्जेक्ट लिखना होगा पासवर्ड रिसेट ऑफ डीलर प्रोफाइल, और उसके बाद आपको आपकी डिटेल्स देनी होगी जैसे कि आपका पैन नंबर, आपका पीटीआरसी नंबर, पीटीआरसी रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो नाम है वो नाम, और उसके साथ आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उन्हें देना होगा। उसके बाद ऑफिसर उसको वेरीफाई करेंगे और आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड ईमेल करेंगे, उसके बाद ही आप आपका पीटीआरसी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो आप में से किसी को भी अगर एक्ट नॉट फाउंड वाली समस्या आ रही है तो उसका कारण आपका यूजर आईडी है। उसके लिए आपको यह बताई हुई प्रोसेस को फॉलो करना होगा, उसके बाद ही आपकी समस्या का समाधान होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।